हेलो फ्रेंड, आज मैं मीटर ट्रेडर 4 में डॉल लगा के दिखाऊंगा, यानी मीटर ट्रेडर 4 यानी ओक्टा एफएक्स ब्रोकर मैं यूज करता हूँ। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपने आईडी नहीं बना तो बना सकते हो। तो इसके पहले काफ़ी वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सब देख लेना। बाकी इसमें विड्रॉल प्रूफ दिखाने लगे, काफ़ी लोग के पास स्क्रीनशॉट वगैरह जाता है, वो बोलते हैं ये है डेमो का है वो है। काफ़ी वो लोग हैं बोलते हैं ना, उन लोग को अभी तक यही नहीं पता कि निकलता है कि नहीं। ऐसे ऐसे महामूर्ख बैठे हैं इस दुनिया में। फॉरेक्स का मार्केट $5.4 ट्रिलियन का डेली का मार्केट है पूरा वर्ल्ड का मिला के, जो कि अपने इंडिया का ना पूरे ईयर का जीडीपी नहीं बनता उतना, सोच लो जितना इसका एक दिन का मार्केट होता है। तो अब कौन यहाँ महामूर्ख है, तो आप समझ सकते हो। उन्हें अभी तक यही नहीं लगता कि यार विड्रॉल भी होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लाइव विड्रॉल दिखाने वाले हैं, यानी मेटा ट्रेडर 4 का, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग का, यानी और ब्रोकर किस ब्रोकर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ओक्टा एफएक्स ब्रोकर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ओक्टा एफएक्स में विड्रॉल में लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा देख सकते हो टुडे का प्रॉफिट, अभी जस्ट आज की डेट है 17 अक्टूबर 2019, और मेरा $2.58 की अभी टुडे भी इनकम हो चुकी है। और मैं लास्ट वीक का मैं दिखा देता हूँ, लास्ट वीक देख लो डिपॉजिट लगभग $38.67 और एक प्रॉफिट मैंने जो लिया $61.97। और देख सकते हो ट्रेड मेरा ओनली गोल्ड में मैंने किया है। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा गोल्ड में ट्रेड वगैरह करो, मेरा देख के बिल्कुल भी मत करना पैसे लगा के ट्रेड। पहले बता दूँ करना भी मत बिल्कुल भी, नहीं तो वही होगा जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं आजकल, ये बोलते हैं कि ये होता है फेक होता है। भाई सीखोगे है नहीं, ना RSI पता नहीं है, RSI ना कोई इंडिकेटर ना कोई ट्रेंड लाइन कुछ आता है नहीं। पैसे डिपॉजिट लगा के डेमो खेल के बस पैसा लगा दो, तो ऐसे थोड़े पैसा वो हो जाएगा इनकम। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती, उसके बाद कुछ होगा भाई। बिना उसके बाद यूट्यूब पर नेगेटिव वीडियो डाल देते हैं लोग बिना नॉलेज के साला। तो यही चीज़ है भैया, और उनका वीडियो लोग देख के कुछ लोग तो इंट्री भी नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कभी भी जो जिस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है ना, उस बंदे से जाके मिला करो, वो बताएगा ना कि आपको एक नेटवर्कर बताएगा। नेटवर्कर तो चूतिया बनाएगा, वो तो बोलेगा अरे उसमें मेहनत करना, मेहनत क्या। तो फ्रेंड यही मेरा कहने का मतलब, कभी भी कोई इंडस्ट्री में जाना चाहते जैसे कि डेमो ही खेल के, ओनली डेमो खेल के। डेमो में हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, डेमो में अगर आप जीत रहे हो तो इसका मतलब नहीं रियल में जीत जाओगे, रियल और डेमो में अंतर होगा। डेमो में आपका माइनस में जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पेशेंस रख ले, लेकिन रियल और डेमो में काफ़ी अंतर होता है। तो इसलिए डेमो में बस एक बेसिक ही, लेकिन अगर सही चीज़ जो नॉलेज एक्सपीरियंस जब होता है तो रियल ही से होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए रियल में भी ट्राई करो, लेकिन कभी करो तो एक ज़्यादा फंड के साथ, और बड़े लॉट कभी ना लगाओ। लालच में ये नहीं कि डेमो में बड़े बड़े लगा दिया अब रियल में लगाओ, और उसके बाद काफ़ी नॉलेज हो जाए RSI, मतलब काफ़ी इंडिकेटर, काफ़ी उसमें स्ट्रेटजी वगैरह नॉलेज हो तो कभी रियल में लगाओ, नहीं तो बिल्कुल भी रियल में नहीं लगाना है। ओनली कॉन्टेस्ट खेलना है, कॉन्टेस्ट का मैंने वीडियो दे दिया पहले, तो भैया जो समझ नहीं आता वो जाके वीडियो देखें। और जिनको अभी तक ये लगता है भैया विड्रॉल होता है कि नहीं, तो उनको मैं लाइव विड्रॉल प्रूफ देने वाला हूँ। तो भैया वीडियो को देखते रहना, तो मेरा देख सकते हो इतना है, मैं $90 का विड्रॉल निकालना चाहूँगा पैसे। तो चलिए अब क्या है, मैं ओक्टा एफएक्स ब्रोकर की वेबसाइट पे मैं चलता हूँ फ्रेंड। अब फ्रेंड मैं ओक्टा एफएक्स की वेबसाइट पे आ गए हूँ। अब ये जो 3 डॉट है इस पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया कुछ इस तरह ऑप्शन आ गए, यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन है विड्रॉल। एक बात ध्यान दें, विड्रॉल उसी अकाउंट पे आप ले सकते हो जो अकाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा जिस अकाउंट से, समझ रहे हो। तो ये ध्यान देना, उसी अकाउंट पे विड्रॉल ले सकते हो। तो अब चलिए हम विड्रॉल का दिखाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई डाउट वगैरह है तो इसमें लाइव चैटिंग होती है, लाइव कस्टमर केयर से हिंदी इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो उस लैंग्वेज में आप चैटिंग करके कोई भी डाउट कोई भी हो तो पूछ सकते हो। तो चलिए विड्रॉल की बात है तो विड्रॉल करके हम दिखाते हैं लाइव। तो मैंने क्लिक कर दिया इस पर फ्रेंड, जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करें तो रियल में जैसे कभी इसी के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। तो अपना अकाउंट देख लो कौन से अकाउंट से आपको विड्रॉल लेना है। यहाँ जैसे मेरा 2 रियल अकाउंट है तो इसमें से मैं एक से विड्रॉल लेना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो एक इस पर ऐसे क्लिक करो, छोटा सा आरो बनाया, देखो जैसे मेरे अकाउंट नंबर दिख रहा है यानी आईडी का 40 67 64 9। तो इस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ पे क्या दिया है, डिपॉजिट विड्रॉल, तो समझ रहे हो ये विड्रॉल पे फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो लाइव ही मैं दिखा रहा हूँ, अभी इस तरीके से ओपन हो रहा है। अब आप कौन से बैंक में लेना चाहते हो, तो करेंट अकाउंट अगर आपने बैंक लगाया था तो करेंट अकाउंट, नहीं तो इंडिया का, लेकिन मैं यहाँ इंडिया लोकल बैंक पर क्लिक करके सेलेक्ट करके बस नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही करोगे तो इस तरह कुछ पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे करोगे, यहाँ पे टू पे यानी कौन सा बैंक आपने डिपॉजिट जिस बैंक से किया होगा, जो भी बैंक में आप विड्रॉल लेना चाहते हो, यानी कहने को अब आपने कौन से बैंक से डिपॉजिट किया वही बैंक में विड्रॉल ले सकते हो। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बैंक मेरा बैंक जो मैं डिपॉजिट किया था फर्स्ट टाइम तो पेटीएम पेमेंट बैंक, तो मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इंडिया फाइनेंस सिस्टम यानी कहने का मतलब आपका IFSC कोड क्या है, तो मैं यहाँ पे IFSC कोड डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेरा बैंक अकाउंट नंबर, तीसरे पर रिसिप्ट नेम, यानी रिसिप्ट नेम में अपना रियल नेम डालना है जो आप
जिस अकाउंट पे ले रहे हो। तो अपना नेम डालना है, उसके बाद फिर कितना डॉलर करना चाहते हो, यहाँ पे डॉलर, तो मैं सारा चीज़ इंटर करके, अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारा चीज़ इंटर कर दिया सही से। अब यहाँ पे मैं 90 डॉलर का विड्रॉल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ बता दूँ फ्रेंड, जो कि मेरा डॉलर है कन्वर्ट, मैंने जब डिपॉजिट किया था तो मैं यहाँ पे जैसे ऑक्टाफिस ब्रोकर में दो खासियत है, जैसे कि खासियत ये है कि आप पहला नंबर आप जो लाइव वो चलता है डॉलर चलता है लाइव रेट में, तो उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हो, या चाहते हो कि अपने डॉलर को मैं फिक्स कर दूं एक पर्टिकुलर मतलब रेट रहे कि 55, मैं चाहे विड्रॉल करूं तो भी 55 रेट से काउंट हो एक डॉलर, और चाहे डिपॉजिट करूं तो भी। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ सेलेक्ट कर दिया, यानी सेलेक्ट किया था 55 के रेट से, तो मैं विड्रॉल भी करूँगा तो भी मुझे एक डॉलर की वैल्यू 55 रुपये के हिसाब से ही विड्रॉल मिलेगा, और डिपॉजिट करता हूँ तो एक डॉलर काउंट भी होगा 55 के हिसाब। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह ये फ़ायदा होता है, अगर कम बैलेंस है आपके अकाउंट में तो आपका डॉलर ज़्यादा हो जाता है, जब डॉलर ज़्यादा होता है तो फॉरेक्स में ट्रेड करने में ज़्यादा बेटर होता है। बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, रियल में फंड बिल्कुल भी मत लगाना बिना नॉलेज बिना सीखे, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्टेस्ट खेलो डेमो खोलो। अब फ्रेंड इसके बाद मैंने 90 डॉलर डाल दिया, तो 90 डॉलर की वैल्यू 55 के हिसाब से 4,950 रुपये है, तो ये मुझे कितनी देर में विड्रॉल होगा, अभी का टाइमिंग है 2:52 यानी 14/52/2019, तो ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो, ऑक्टा एफएक्स पिन, अगर आपने आईडी बनाई थी तो आपको फर्स्ट टाइम ऑक्टा एफएक्स पिन एक मिलता है, तो उसको सेव करके अच्छे से रखना होता, तो वो पिन यहाँ पे डालना है और रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं ऑलरेडी पिन डाल के रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह थोड़ा इंटरफेस आ गया, कन्फर्म योर विड्रॉल रिकॉर्ड, तो अब क्या करना है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है सबमिट बटन, तो सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, लेकिन एक बार चेक कर लेना आपका सारा डिटेल एकदम राइट है, यानी सही है कि गलत वलत तो नहीं है, तो ये चीज़ अगर कोई चीज़ गलत करते हो तो आपके ईमेल पे मैसेज वगैरह आ जाएगा। अब देखो जो टाइम पीरियड है 1 से 3 घंटे में विड्रॉल आपको रिसीव हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है, किसी दिन 3 दिन बाद विड्रॉल मिलता है, ये चीज़ है। अब मैं आपके सामने लाइव करता हूँ, मुझे कितना देर में मिलता है ये तो मैं आपको लाइव ही इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है सक्सेसफुल योर विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यहाँ पे ऊपर देखो निशान लग गया और यहाँ पे आपका एड्रेस दिखा रहा है। अब गो टू विड्रॉल हिस्ट्री में जाके अपना चेक कर सकते हो, अब ये विड्रॉल मुझे कब तक रिसीव हो जाएगा, और जो ईमेल आईडी है उस पर भी मैसेज आ गया होगा आपके, मेरे भी ईमेल आईडी पे मैसेज आ गया। अब जो विड्रॉल ये दिख रहा है, देखिए पेंडिंग दिख रहा है, इसके पहले भी मैं कई विड्रॉल ले चुका हूँ छोटे छोटे विड्रॉल, और यहाँ पे लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था, काफ़ी लोगों को ऐसे ही मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि विड्रॉल मुझे निकालना नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे विड्रॉल निकाल के दिखाओ, तो इसलिए मैं खास तौर से वीडियो बनाया हूँ उन लोगों के लिए, और इसमें सब लोग को एक प्रूफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पेंडिंग में है, जब ये विड्रॉल आपको रिसीव हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में तो क्या है यहाँ पे कंप्लीट भी दिखने लगेगा। तो 1 से 3 घंटे में मिल जाता है, नहीं तो कभी कभी भाई 3 दिन के अंदर मिलता है, 3 दिन से पहले मिल जाता है 110%। हेलो फ्रेंड, लगभग आज की डेट जो है 18 अक्टूबर फ्राइडे 9:12 हो रहा है, लेकिन मुझे जो विड्रॉल है नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को मिला, 17 को मैंने विड्रॉल लगाया था, 17 के 18 को मुझे मिला मॉर्निंग में 8:40 पे, देख सकते हो मेल पे मैसेज आ गया विड्रॉल रिक्वेस्ट नंबर कंप्लीटेड 8:40, और ये विड्रॉल 90 डॉलर का मैंने किया ही था अपने पेटीएम बैंक में 90 डॉलर, वो भी 55 रुपये की फिक्स के हिसाब से मैंने USD सेलेक्ट किया था, तो फिक्स के हिसाब से मुझे विड्रॉल मिला है, लाइव रेट पे नहीं किया था मैंने, फिक्स किया था फिक्स यानी 55 गुड़े 90 करोगे यानी 4950 रुपये मेरे पेटीएम बैंक में आ गया। तो चलो मैं पेटीएम बैंक में भी आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड मैं अपने बैंक अकाउंट आ गया, पेटीएम के पेमेंट बैंक में आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 5,536 रुपये हो गया, पहले ऑलरेडी कुछ पैसे थे इसमें, तो ये देखिए मुझे अभी 8:40 पे ये रिसीव हुआ है 4,950 रुपये, ये देखो ये फ्रेंड्स ये देख सकते हो। तो फ्रेंड ये मुझे रिसीव हो गया, अब तो आपको बिलीव, लेकिन अभी और एक चीज़ और दिखा देते हैं भाई 4950 रुपये, चलिए मेटा ट्रेडर 4 में भी दिखाते हैं भाई, वहाँ विड्रॉल कटा है क्योंकि पता चले डेमो अकाउंट दिखाते हैं, जो मेटा ट्रेडर 4 में हम चलते हैं फ्रेंड, मेटा ट्रेडर 4 में आ गया, तो टुडे भी कोई प्रॉफिट किया नहीं हो, तो यहाँ एकदम इम्पटी दिखा रहा है, मैंने 1 वीक से आपको दिखाया था लास्ट वीक से, तो लास्ट वीक का मैं दिखा दे रहा हूँ। अब देखो लास्ट वीक में ये डिपॉजिट जो होता 38.67 डॉलर, और जो विड्रॉल हुआ वो 90 डॉलर का, यानी प्रॉफिट जो हुआ था लगभग 61.74, मैंने 90 डॉलर का विड्रॉल लिया, और ये बैलेंस देख सकते हो, ये 90 डॉलर का विड्रॉल, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये देखो, विड्रॉल आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर सब लिखा, और सबसे अच्छी बात ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर मैं इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि 1% चार्ज नहीं काटता, एकदम 0% में डिपॉजिट हो जाता है, 0% में विड्रॉल, सबसे मेन रीज़न जो है मुझे यूज करने का, बाकी तो स्प्रेड हाँ कम है स्प्रेड भी, लेकिन सबसे मेन रीज़न विड्रॉल और डिपॉजिट होता है, उसी में ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे एंड अप करता हूँ, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।